देश में कोरोना का कहर बढ़ाने वाले तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद अब तक फरार है। पुलिस दिल्ली से लेकर यूपी तक मौलाना साद की तलाश कर रही है। कोरोना वायरस मामले में बुरी तरह उलझ चुकी निजामुद्दीन स्थित तबलीगी मरकज की मुश्किलें अब और बढ़ गई है। अब खबर आई है कि मरकज की यह 7 मंजिली बिल्डिंग अवैध रूप से बनी है। जिस जमीन पर यह इमारत खड़ी है उसके कागजात नगर निगम के पास नहीं है। प्रॉपर्टी और हाउस टैक्स जमा होना तो दूर की बात है, मरकज पर लाखों रुपए का हाउस टैक्स बकाया है। अवैध इमारत के बारे में अधिकारियों को कई बार शिकायत मिल चुकी है। स्थानीय लोगों ने इसके अवैध निर्माण की बार बार शिकायत भी की, लेकिन न तो निगम ने कोई कार्रवाई की और न ही पुलिस या अन्य किसी विभाग ने इस पर ध्यान दिया। रिहायशी इलाके में मरकज की इमारत करीब 2000 गज में बनी है। नियम अनुसार इसकी ऊंचाई 15 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन यह करीब 25 मीटर ऊंची है। कोरोना प्रकरण उजागर होने के बाद बिल्डिंग को सील कर दिया गया है। अब बिल्डिंग गिराने की तैयारी चल रही है। निगम अधिकारियों ने मरकज के प्रबंधकों से कई बार इस जगह के मालिकाना हक के दस्तावेज मांगे, लेकिन दस्तावेज नहीं दिए गए। ऐसे में निगम के अधिकारी अब आशंका जता रहे हैं कि जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके बिल्डिंग बनाई गई है। घनी आबादी में बनी इस बिल्डिंग में आग से सुरक्षा के भी कोई इंतजाम नहीं है और न ही कभी विभाग से NOC ली गई। ऐसे में साफ है कि मौलाना साद अवैध रूप से धर्म की आड़ में काला साम्राज्य खड़ा करता चला गया और इसकी भनक किसी को नहीं लगी। लेकिन अब मौलाना साद का ये लंका ढहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।